दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 तेजी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की इस दहाड़ से नासा और चीन भी डरा हुआ है। अभी चंद्रयान 3 ने वहां से चांद की ऐसी भयानक तस्वीरें भेजी हैं, जिन तस्वीरों में बेहद ही अजीब चीजें नजर आई हैं और जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। इन तस्वीरों की पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चंद्रयान 3 जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, तभी से लगातार कई रहस्यमयी खुलासे किए जा रहा है। सबसे पहले चंद्रयान 3 ने चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वहां से पहला मैसेज इसरो को भेजा, जिसमें बताया कि मैं चंद्रयान 3 हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच चुका हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। इस मैसेज ने इसरो के ऑफिस में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला दी, लेकिन चंद्रयान 3 ने हाल ही में कुछ नई तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। चांद की सतह पूरी तरह से वीरान पड़ी थी। इस वीरान सतह पर चंद्रयान 3 को आखिर क्या नजर आया और चंद्रयान 3 ने अपने रास्ते में आने वाले सभी पड़ाव को आसानी से पार कर लिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में चंद्रयान 3 को ऐसा क्या नजर आया और चंद्रयान चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है। ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, चांद पर जाने की यह होड़ आज से शुरू नहीं हुई। जब 1969 में अमेरिका ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, तभी से रशिया और अमेरिका के बीच होड़ लगी हुई है, लेकिन आज तक जितने भी मिशन किए गए उनमें से किसी ने भी चांद के दक्षिणी भाग पर जाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। यानी सभी सोच रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस चंद्रयान ने चांद पर उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल ही के ताजा अपडेट की बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत ज्यादा पास चला गया है और अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे अधिक दूरी 1400 किलोमीटर है। यानी कुछ दिनों के बाद चंद्रयान 3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 14 अगस्त की दोपहर 12 बजे के बाद यह चांद की अगली कक्षा में चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के करीब आ रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे कठिन काम चांद की सतह पर सही लैंडिंग करना है और 16 अगस्त का इंतजार सभी को बेसब्री से है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 का लैंडर यान से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल यह काम वैज्ञानिक बेहद ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं उनको खोल दिया जाएगा, जिस कारण से यह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पिछला हिस्सा स्थिर हो जाएगा और आगे का हिस्सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ से आगे का सफर इसके लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चंद्रयान ने इसरो को कौन सी खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, असल में उन गड्ढों को चंद्रयान 3 ने बता दिया है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि चांद के दक्षिणी भाग में बेहद विशाल गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारना आसान नहीं होगा। इन्हीं डरावनी गड्ढों की तस्वीर चंद्रयान 3 ने इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है, जिसे देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। चंद्रयान 3 में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरों से कई वीडियो भी इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी गई हैं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे देखने के बाद हमारे चंद्रयान 3 के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे इसरो की टीम ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के अनुसार हमारा चंद्रयान 3 आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो अब वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को धीरे धीरे चांद की तरफ ले जा रहे हैं और चांद पर उतरने का प्रोसेस उस वक्त शुरू किया जाएगा जब चंद्रयान 3 चांद से 36 किलोमीटर दूरी पर होगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर अपनी लैंडिंग लोकेशन को तलाश करेगा।
दोस्तों यहाँ वैज्ञानिकों ने चंद्रयान तीन को धीरे धीरे चांद की तरफ भेजा है, बल्कि सीधे तरीके से नहीं भेजा। इसकी असल वजह यह है कि जिस किसी ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की, वह सभी यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा चंद्रयान तीन सफलता की ओर बढ़ रहा है और इस बार हमारा चंद्रयान तीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार चंद्रयान तीन में लैंडिंग में मदद करने वाले जो उपकरण लगाए गए हैं, वह बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। इस बार चंद्रयान तीन में एक उपकरण लगाया गया है जो चंद्रयान तीन की सतह को स्कैन करेगा और लैंडिंग में मदद करेगा। और चंद्रयान तीन जहां लैंडिंग करेगा, वहां पर यह सभी तरफ कैमरे से जांच करेगा कि लैंडिंग में चंद्रयान तीन को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल चंद्रयान तीन चांद के बेहद करीब आता जा रहा है और इसकी चांद से दूरी भी बेहद कम बची हुई है। चंद्रयान तीन 6 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचा था, तभी से यह लगातार चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 16 अगस्त को चंद्रयान तीन चांद से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन ही चंद्रयान तीन यान से अलग होकर चांद की आखिरी कक्षा में चला जाएगा और चांद की तरफ आगे बढ़ेगा। और 23 अगस्त को हमारा लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वह क्षण हर भारतीय के लिए बेहद गर्व का समय होगा। लेकिन दोस्तों, अभी चंद्रयान तीन का सफर बहुत लंबा है और इस सफर में अभी कई परेशानियों का सामना चंद्रयान तीन को करना पड़ेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है, जिसे अब देखना बाकी है कि चंद्रयान तीन इसको पास कर पाएगा या नहीं। लेकिन बात आती है कि आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव में क्या है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, चांद का दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम डार्क साइड भी कहते हैं, इस डार्क साइड में बेहद ही विशाल और बड़े गड्ढे मौजूद हैं और ये गड्ढे इतने विशाल हैं कि यहाँ करोड़ों साल से सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँची होगी। और सूर्य की रोशनी ना पहुँचने के कारण यहाँ इतना अंधेरा है कि यहाँ के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, जहाँ तक कि सैटेलाइट भी यहाँ के हिस्से को पूरी तरह से आज तक नहीं देख पाई हैं। चांद पर वातावरण नहीं होने के कारण चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस तापमान में इंसानों का बच पाना बेहद मुश्किल है। और इतने कम तापमान में तो मशीनें भी काम करना बंद कर देती हैं। और चांद के दक्षिणी ध्रुव में धूल के बड़े बड़े पहाड़ और गद्दे मौजूद हैं और इसी जगह पर हमारा चंद्रयान तीन लैंड करने वाला है। अगर आप इस मिशन को सफल देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय हो जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन चंद्रयान तीन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो दोस्तों, यह था चंद्रयान तीन से जुड़ा खास अपडेट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।